हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज में, जब हमें एग्जाम में मिनट्स और आवर्स पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढने के लिए क्वेश्चन आते हैं, उस टाइम पे हम कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है बच्चों का। तो पहले जानते हैं कि हमारे एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज होता क्या है। तो हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज में, जब हमें कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कम लेबर, कम कैपिटल की ज़रूरत होती है कंपेयर टू अदर नेशंस और इकोनॉमीज, तो उसमें हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें कुछ चीज़ों में हमें स्पेशलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, उसमें स्पेशलाइज करके हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे जूट प्रोडक्ट्स होता है, जूट प्रोडक्ट्स में हमारे बांग्लादेश, इट हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। लेकिन रबर प्रोडक्शन में मलेशिया आ सकता है, इंडिया आ सकता है ना। तो उस टाइम पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंट्री इसको रबर प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करें और दूसरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमें कंपैरेटिव एडवांटेज की यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढना है दोनों का, और लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसका होगा वो उसी में सब स्पेशलाइज करें तो बेहतर है। यही है कंपैरेटिव एडवांटेज में। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सो ये क्रूजो और फ्राइडे करके दो व्यक्ति हैं जो कोकोनट एंड फिश, दे गैदर कोकोनट एंड फिश। तो क्रूजो जो है वो 3 घंटे लेते हैं एक कोकोनट गैदर करने में, कलेक्ट करने में, ठीक है, और 4 घंटा लगता है उनको एक मछली पकड़ने में। और कंपेयर टू दैट फ्राइडे को 2 घंटे लगता है एक कोकोनट लाने में और 1 आवर लगता है फिश कलेक्ट करने में, 1 fish 1 coconut, ठीक है। तो इस केस में इफ समवन इज आस्किंग यू कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कोकोनट, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फिश फॉर क्रूजो और फ्राइडे, हाउ यू आर गोइंग टू डिराइव दैट। ओके, पहले हम क्रूजो की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें 4 घंटे में हमें एक फिश वो गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये फिश का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनके लिए क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो 4 घंटे में अगर एक मछली पकड़ रहे हैं तो इसी 4 घंटे का यूज करके वो कितने कोकोनट कलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 घंटे में वो कितने कलेक्ट कर सकते हैं, उसी के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा। 3 घंटे में एक कोकोनट, दैट मीन्स 1 घंटे में कितने कोकोनट, दैट इज 1/3, ठीक है। तो 4 घंटे में वो क्या कर सकते हैं, हम इस पर डिवाइड कर सकते हैं 4/4, तो दैट मीन्स 4 घंटे में वो 4/3 कोकोनट। इट डजंट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस एक्चुअली, एनी मनीटरी सेंस, राइट, बट हमें यही हमें करना पड़ेगा कि 4 घंटे 4 hours/3, तो इतने कोकोनट वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ फिश, ठीक है, सॉरी कोकोनट। तो 3 घंटे में वो एक कोकोनट कलेक्ट करते हैं, तो इसी 3 घंटे में वो कितनी फिश कर सकते हैं, तो दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो जो चीज़ वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो दैट बिकम्स देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस केस में अगर वो कोकोनट की हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं तो इसी 3 घंटे में वो कितनी फिश कलेक्ट कर सकते हैं, तो यही चीज़ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी 3 घंटे में, 1 घंटे में वो कितने करते हैं, 1/4 फिश, और 3 घंटे में कितना होगा, इसको 3 गुना कर दो, 3/4 फिश, ठीक है, तो हो गया आपका 3/4 फिश और कोकोनट। तो इसी में उनका, ये दोनों में उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो इस चीज़ की
फिश की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनका ज़्यादा है ना, तो ही शुड एक्चुअली कलेक्ट कोकोनट, क्योंकि उसका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम है, ठीक है। सिमिलरली फ्राइडे को देखते हैं, फ्राइडे के क्या करते हैं कि ये 1 आवर में एक फिश गैदर करते हैं, तो इसी 1 घंटे में वो कितनी कोकोनट गैदर करेंगे, 1/2, ठीक है। तो फिश का हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट 1/2 कोकोनट। सिमिलरली फॉर कोकोनट व्हाट्स हैपनिंग, ही इज टेकिंग 2 आवर्स फॉर गैदरिंग 1 कोकोनट, राइट। तो इसी 2 घंटे में कितनी फिश वो कलेक्ट कर सकते हैं, 2 फिश कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में उनका लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सा है जब वो फिश गैदर करेंगे, है ना। तो दैट्स वाई फ्राइडे शुड इन्वेस्ट इज टाइम इन गैदरिंग फिश एंड कोकोनट शुड इन्वेस्ट इज टाइम इन गैदरिंग कोकोनट, ओके। एंड दे कैन एक्सचेंज दैट विथ ईच अदर और दे कैन ट्रेड सिंपली, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर अनदर एग्जाम्पल, दिस इज देयर टू प्रोड्यूसर or 2 workers you are having in a bake shop, and Omar's productivity in cookies and espresso is 2 minutes लगता है एक कुकी बनाने में, 3 मिनट लगता है एस्प्रेसो बनाने में, ठीक है। और डेविड को 3 मिनट लगता है एक कुकी बनाने में, 6 मिनट लगता है एस्प्रेसो बनाने में। तो इसको हम एक टेबल पे पुट करते हैं, ये टेबल जो है ये हमें कंटिजेंट टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ओमर को एक कुकी बनाने में 2 मिनट लगता है, तो ये 2 मिनट में उनके पास कितनी एस्प्रेसो बन सकता है, तो दैट बिकम्स हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस 1 कुकी, ठीक है। तो ये 2 मिनट में वो कितनी बना सकते हैं, 1 मिनट में कितना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्प्रेसो, तो 2 मिनट में एक मिनट में हम ये कुकी को अगर देख रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, 1 कुकी बनाने में 2 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये 2 मिनट में एस्प्रेसो कितना बनेगा, तो वही कुकीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा, है ना। तो 3 मिनट लगता है एस्प्रेसो बनाने में, तो 1 मिनट में 1/3 हो जाएगा और 2 मिनट में 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 एस्प्रेसो, ठीक है। तो उनका 1 कुकी बनाने में उनको 2/3 एस्प्रेसो को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, सो दिस इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 कुकी, ओके। तो आपको जिसका हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो उसी की जो टाइम होगी उस टाइम में जो दूसरा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, दूसरे प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट कितने हो सकता है, ठीक है। तो दैट बिकम्स द फर्स्ट कमोडिटीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइकवाइज हम लोग डेबिट का भी निकाल सकते हैं, 3 एंड 6 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 3 मिनट में वो 1 कुकीज बनाते हैं, ठीक है ना। तो 3 मिनट में वो कितनी एस्प्रेसो बना सकते हैं, एस्प्रेसो एक बनाने में 6 मिनट लगता है ना, तो 3 मिनट में कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, है ना। तो 6/3 हो जाता है, तो 1/2 एस्प्रेसो हो जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी है।